إذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نازلين برنامج دواكي جيكسات، كسات साथ خدمة کی خدمت میں حاضر ان شاء الله العزیز اس پروگرام میں ہم مختلف مواقع और मुख्तफ़ लोगों के लिए की जाने वाली दुआओं के बारे में बात करेंगे आज के इस इब्तदाई प्रोग्राम में हम दुआ के आदाब और कबूलियत के मौाक़े वगैरह के मौजू पर बात करेंगे दुआ क्या है दुआ बंदे की अपने रब से अल्तजा है फरियाद है इस बात का इजहार है कि ए रब मैं मोहताज हूँ मैं फकीर हूँ और तो दाता है तो देने वाला है सारे ख़ज़ानों की कुंजियाँ तेरे हाथ में है तेरा दरवाज़ा दिन रात खुला रहता है सब सबकी सुनता है हर वक्त सुनता है तू दिल ही दिल में पुकारे जाने वाली दुआएं भी सुनता है और ज़ोर से बोली जाने वाली भी दुआ इंसान की तमन्नाओं के लब पर आने का नाम है जैसे अलाम अकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कि मेरी तमन्नाएं मेरी आरजुएं मेरे अंदर की ख्वाहिशात और मेरी जरूरियात उन सब को पूरा करने के लिए अरब रब मेरी कोशिशें काफ़ी नहीं उनकी तकमील के लिए मैं तेरे सामने हाथ फैलाता हूँ और मैं तुझसे ही दुआ करता हूँ हजरत जकरिया सलाम ने बहुत खुशु के साथ और बहुत यकीन के साथ अपने रब से कहा था वलम अकुम बि दुआ कर रब शकिया कि तुझ से दुआ मांग कर ए रब मैं कभी बदबخت रहा ही नहीं ना मुराद रहा ही नहीं यानी तू ज़रूर सुनता है तू मेरी भी सुनेगा इसी वजह से हम देखते हैं कि वो एक तवील अरसे तक औलाद की महरूमी के बावजूद कभी मायूस नहीं हुए अपने रब को पुकारते रहे मांगते रहे हती कि उनकी दुआ सुन ली गई क्योंकि दुआ की कबूलियत में ये बात हमेशा याद रहे कि अल्ला सुबहान अपनी ख़ास हमत के तहत ये जानता है कि किस बंदे को कब क्या चीज़ अता की जानी चाहिए तो आइए इब्तदा में हम देखते हैं कि दुआ मांगते कैसे हैं दुआ का अदब क्या है सलीका क्या है क्योंकि ये एक इंतहाई कमज़ोर और आजिज़ इंसान के अल्फाज उसके अजीम रब की बारगाह में उठते हैं तो फिर ये कैसे होने चाहिए ताकि दुआएं कबूल हो जाएं? तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान को दुआ मांगते वक्त पूरी तवज्जो और पूरे खुशो और खजू का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह सुबहान गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता दुआ मांगने के अदब में सबसे पहला अदब सलीक़ा और करीना ये है कि इंसान पूरे इखलास के साथ पूरी तवज्जो के साथ शौक और मोहब्बत के साथ अपने रब से मांगे पूरे यकीन के साथ कि उसका रब उसकी दुआ ज़रूर सुनेगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मुखलसन लहुद्दीन उससे दुआ करो दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए यानि सिर्फ़ अल्लाह से मांगो किसी और से नहीं क्योंकि सब को देने वाला दरअसल वही है अम्बिया या यालिया कराम हो या बुजुर्गान दीन हो सब के सब उसी के आगे सजदा रेज होते हैं और उसी को पुकारते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक हर हर मौक़े पर अपने रब को पुकारा करते थे और वो तमाम दुआएं अदीस की किताबों में हमें सही सनत के साथ मिलती हैं कि किस तरह आप सल्ह्स वम सुबो बिस्तर से उठते वक्त अपने रब को पुकारते फिर नमाज में कौन कौन सी दुआएँ मांगते फिर इसी तरह खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद यहाँ तक कि अगर छींक आए तो उस वक्त क्या पढ़ा जाए और इसी तरह रात को सोते वक्त और बेशुमार मौाक़े की दुआएं और उसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मुख्तल किताबों में हमें मिलती हैं जिससे हमें दुआ मांगने का सलीका और अदब पता चलता है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब थे और किस तरह अल्लाह के महबूब ने अपनी आज़ी और इनके सारी का इज़हार अपने रब के हजूर किया है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है फिर दुआ मांगने के अदब में एक अहम तरीन अदब यह है कि इंसान तोज्जो से मांगे हदीस में आता है कि अल्लाह सुबहान गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता यानी इंसान जब मांगे तो वाकई उसको ये मालूम हो कि वो क्या मांग रहा है और फिर तजरों और आजजी के साथ बार बार इसरार करके मांगे ये ना कहे कि यार रब तू चाहे तो दे दे और तू नहीं चाहता तो ना दे नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ अपने रब से मांगे और इस बात का भी पूरा यकीन होना चाहिए कि रब दुआ सुनता है क्योंकि वो देता है रब ना सोता है न उसको ऊँग आती है न उसको नींद आती है और उसको देने के लिए किसी से मशवरे की भी ज़रूरत नहीं होती कोई उस पर जबर नहीं कर सकता किसी का उस पर जोर नहीं इसलिए इंसान जब उससे मांगे तो ये सोच के मांगे कि उसको देने में पूरा पूरा इख्तियार है और वो मेरी दुआ भी ज़रूर सुनेगा फिर इसी तरह इंसान अपनी आजजी और मस्कनत का इज़हार करे मांगते वक्त इंसान अपने अंदर को बिल्कुल तकबर से खाली कर ले और ये समझे कि मैं एक इंतहाई हकीर चीज़ हूँ और मेरा रब अजीम खालिक है पूरी कायनात का मालिक है और मैं उसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ जो मेरे उठे हुए हाथों को कभी खाली नहीं लौटाएगा और उसको देने से मोहब्बत है वो देकर खुश होता है और दुआ करने वाले से मोहब्बत रखता है और जो दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है अल्लाह तआला कुरान मजीद में खुद फरमाते हैं वो कला रबोनी अस्त लकुम तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआ मांगो उ दी अस्त जब लकुम मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा इसलिए रब के वादे पर यकीन करते हुए हमें दुआ करते रहना चाहिए फिर इसी तरह यह है कि दुआ में आजजी और इनकिसारी के साथ साथ गिरिया उजारी भी होनी चाहिए जिस तरह नबी वसल्लम बदर के मौके पर अल्लाह सुबहान तजूर आहुज़ारी के साथ दुआएं कर रहे थे इस सिलसिले में रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह मेरे लिए अपने किए हुए वादे को पूरा फरमा अल्लाह अपने वादे के मुताबिक अतः फ़रमा ए अल्लाह अगर अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत न की जाएगी और फिर इस कदर आज जीओारी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ अल्ल तुम्होंने जब आपको देखा तो पीछे से आकर आपसे चिमट गए और कहने लगे क्या अल्लाह के नबी अब बहुत काफ़ी हो चुका आपने अपने रब से बहुत कुछ मांग लिया अल्लाह ताला आपसे किए हुए वादे को जरूर पूरा करेगा फिर इसी तरह यह है कि इंसान दुआ में तकरार करे यह ना हो कि एक बार मांगे दो बार मांगे और उसके बाद थक कर बैठ जाए और ये कहे कि मेरी दुआ तो सुनी नहीं जाती इसलिए दुआ मांगने का फ़ायदा नहीं नहीं हम देखते हैं कि किस तरह अम्बियाँ मुसलसल दुआएं मांगते रहे इसरार के साथ मांगते रहे इस सिलसिले में हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी पता चलता है कि जब इसरार के साथ और तकरार के साथ इंसान दुआ करता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस शख्स ने तीन मरतबा अल्लाह तन्नत मांगी जन्नत उसके लिए दुआ करने लगती है कि ला इसे जन्त में दाखिल कर दे और जो शख्स तीन मरतबा दो जख्स से पनाह मांगे तो दो ज़ख़् उसके लिए दुआ करने लगती है कि यार अब इस शख्स को दो ज़ख़ से पनाह दे फिर इसी तरह यह है कि इंसान को चाहिए कि इंसान मांगने के अंदाज़ में हाथ उठा कर अल्लाह तला से मांगे क्योंकि अल्लाह सुबहान तया वाला है बहुत करम फरमाने वाला है उसको इस बात से शर्म आती है कि उसका कोई बंदा उसके आगे हाथ फैलाए और फिर अल्लाह ताला उन हाथों को खाली लौटा दे वो सबसे बड़ा बादशाह है हकीकी बादशाह मालिक कायनात, सारे ख़जानों का मालिक वो कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता हाँ ये ज़रूर है कि कभी वो इंसान को फ़ौरन मिल जाता है जो इंसान अपने लिए तलब करता है और कभी ऐसा होता है कि उससे बेहतर कुछ और अता कर दिया जाता है या उससे कोई आने वाली मुसीबत टाल दी जाती है या फिर आखरत में उसके लिए उस दुआ के अजर को जख़ीरा कर दिया जाता है जिसे देख कर इंसान तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसको अपनी दुआओं के सिले में कुछ भी ना मिला होता फिर इसी तरह यह है कि दुआ करते वक्त इंसान को हमदोसना के साथ आगाज़ करना चाहिए यानि अल्ला सुबहान तैाल की तारीफ़ करनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूषी पढ़ना चाहिए और उसके बाद अपनी अर्ज रखनी चाहिए तो जिस दुआ के आगे पीछे दुरूषी पढ़ लिया जाए वो दुआ भी कबूल होती है फ़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक मरतबा रसूल अक्रम सम तशीफ़ फरमा थी एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी फिर कहने लगा अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर तो रसूल सल्ला ने फ़रमाया ए नमाज़ी तूने जल्दी की जब नमाज पढ़ चुको तो बैठे रहो अल्लाह की इस तरह हम दो सना बयान करो जैसा कि उसका हक है फिर मुझ पर दुरुद भेजो फिर उससे दुआ करो यानी ये दुआ मांगने का अदब और सलीका है फिर इसी तरह यह है कि इंसान की दुआओं की कबूलियत में बात उसके गुनाह हायल होते हैं और जब इंसान इस्तार करता है तोबा करता है तो दरवाज़े खुल जाते हैं इसीलिए इंसान जब दुआ करे तो उसके साथ साथ अपने रब से तोबा इस्तफार करे फिर इसी तरह दुआ करने के अदब में से एक चीज़ ये भी है कि इंसान जब दुआ करना शुरू करे तो सबसे पहले अपने लिए दुआ करे फिर अपने क़रीबी लोगों के लिए दुआ करे और फिर तमाम लोगों के लिए दुआ करे जैसे हज़रत इब्राहीम की दुआ में आता है रबन फिर ली वल वालिदिया वलिलीना ओम यकोमल हिसाब के अः हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे वालदान को बख्श दे और तमाम मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब किताब कायम हो फिर इसी तरह दुआ मांगने के आदाब में से ये भी है कि इंसान जाम अल्फाज के साथ बेहतरीन अल्फ़ के साथ दुआ मांगे और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसके अल्फाज जामे हो सकते हैं कम्प्रिहेंसिव के कम अल्फाज में ज़्यादा बड़ी चीज़ें मांगी गई हैं इसलिए हमें मसनून दुआओं को याद करने और उनको पढ़ने का भी एहतमाम करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ास चीज़ें अता की गई थी उनमें से एक चीज़ कलम थी जिसके बारे में आपने फरमाया उती तो जवाम मुझे जाम बात कहने की सलाहियत बख्शी गई है यानी कम अल्फाज में ज़्यादा बड़ा मज़मून फिर इसी तरह इंसान को अपने नेक आमाल को वसीला बनाकर दुआ करनी चाहिए अगर ज़िंदगी में इंसान ने खालिस्ता अल्लाह ताला के लिए कुछ काम किया हो तो मुश्किल वक्त में तकलीफ़ के वक्त में परेशानी के वक्त में इंसान अपने रब के सामने उस नेक अमल का जिक्र करके उसके वसीले से दुआ करें जैसे हमें एक हदीस से पता चलता है कि कुछ लोग कहीं सफर पर जा रहे थे तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई बारिश से बचने के लिए उन्होंने ग़ार में पनाह ली तो इतने में एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर गार के दरवाजे के आगे आ गिरा और ग़ार का दरवाज़ा बंद हो गया और इस तरह वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उस वक्त उन तीनों ने आपस में यही सोचा कि हम अपने उस अमल को सामने रख कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो खालिसतन हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया तो बहरहाल तीनों ने अपने अपने नेक अमल का ज़िक्र किया जिसकी बदौलत उनकी दुआ कबूल हो गई और ग़ार के पत्थर हट गया जो कि बज़ाहिर नामुमकिन में से था और इस तरह वो लोग वहाँ से निकल आए अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी फिर इसी तरह यह है कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों को वसीला बनाकर दुआ करनी चाहिए कुरान मजीद में आता है ओलिल्लाहिल अस्मा उल हुस्ना, फ़द उबा और अल्लाह के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम बस उसे पुकारो इन नामों के ज़रिए यानी इनके वसीले से तो अल्लाह सुबहान तला के नाम मुख्तफ दुआओं के आखिर में भी आते हैं और इसके अलावा अल्लाह तला के इन सारे नामों को पढ़कर भी दुआ की जा सकती है या फिर किसी ख़ास नाम के साथ भी उसको पुकारा जा सकता है जैसे उमूमन हम या अल्लाह तो कहते ही हैं या फिर या रब या रहमान या रहीम या करीम या दिल जलाल दिलजलावल कराम या हय्यू या कैम बिरहमति का स्तीस इन अच्छे अच्छे नामों के साथ अल्लाह ताला को बार बार पुकार कर दुआ करने से दुआ कबूल होती है फिर इसी तरह अगर कोई शख्स बावज़ु दुआ करता है तो उसकी दुआ भी कबूल होती है इस सिलसिले में हम देखते हैं अब आमिर रजी अल्ला जब शहीद हुए तो अबू मूसा अशरी रज़ी उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ख़बर दी और कहा कि अबू आमिर ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मेरे लिए इस्तार करें आपने पानी तलब फरमाया वज़ू किया फिर हाथ उठाकर दुआ की अल्लाह उबैद अबू आमिर की मफफ़रत फरमा फिर इसी तरह दुआ की कबूलियत के आदाब में से एक अदब यह भी है कि इंसान हलाल रिस्क का एहतमाम करे नबी अक्रम सल्ह वसम ने एक शख्स का ज़िक्र किया कि वो तवील सफ़र करता है परेशान हाल है और ख़ा आलू है उसके बाल और उसका लिबास और वो बहुत थका हुआ है और अपने हाथ आसमान की तरफ़ उठा कर कहता है या रब या रब लेकिन उसकी दुआ कहाँ से कबूल की जाए उसका खाना भी हराम का उसका पहनना भी हराम का और वो हराम पर ही परवरिश पाया तो उसकी दुआ कहाँ से कबूल हो तो इससे ये पता चलता है कि इंसान अगर ये चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों तो वो अपने खाने पीने और अपने लिबास और अपनी ज़िंदगी में भरपूर तरीके से हलाल का अहतमाम करे। फिर तो इसी तरह यह है कि दुआ में तसन् और तकल्लुफ़ से परहेज़ करना चाहिए इस सिलसिले में एक हदीस में आता है अपने अब्बास फरमाते हैं कि दुआ में काफ़िया बंदी से परहेज़ करते रहना क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह और आपके सहाबा को देखा है कि वो हमेशा इससे इज्तनाब करते थे यानी इससे बचा करते थे फिर इसी तरह दुआ में मुबालगे से भी परहेज़ करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरमायाब इस उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो तहारत और दुआ में मुबालगा करेंगे यानी हद से ज़्यादा लंबी दुआएं करेंगे क्योंकि दुआ उस वक्त तक इंसान को करनी चाहिए जब तक उसका खुशु व खजू कायम रहे और वाकई वो अल्लाह से दुआ कर रहा हो लेकिन सिर्फ लंबी दुआ इसलिए कि शायद बहुत ज़्यादा लंबी दुआ करने से ज़्यादा कबूलियत होगी तो असल चीज़ क्वालिटी है बाज़त इंसान सिर्फ़ एक जुमला बोलता है लेकिन इतने दर्द के साथ इतने एहसास के साथ इतनी शिद्दत के साथ कि ही काफ़ी हो जाता है जैसे यून साम ने मछली के पेट में पुकारा था ला अला अंत सुबह नका इन्नी कुंतु मिनमीन ला इल्ला लंतः नहीं कोई इलाह मगर तू ही सुबह तू पाक है इन्नी कुत तुमालमीन बेशक मैं ालिमों में से हूँ मैं गुनागारों में से हूँ तो उनकी दुआ फ़ौर सुन ली गई कबूल कर ली गई फिर इसी तरह कुछ औकात और मकामा ऐसे हैं कि जहाँ इंसान की दुआ कबूल होती है मसलन रात के आखिरी हिस्से में दुआएं बहुत कबूल होती हैं हदीस में आता है रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया हमारा रब तबारक वाली हर रात को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे अता कर दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं, यानी अगर कोई इस वक्त मुझसे दुआ करेगा तो मैं ज़रूर उसकी दुआ कबूल कर लूँगा लेकिन उमूमन रात के आखिरी हिस्से में इंसान गहरी नींद में चला जाता है और यह कबूलियत का वक्त उससे खो जाता है तो इस खसूस तौर पर अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई परेशानी हो या कुछ चीज़ों के बारे में वो वाकई संजीदा हो कि वो उसे मिलनी चाहिए दुनिया और आख़रत की कामयाबियों में से भलाइयों और ख़ैर में से तो उसको चाहिए कि इस वक्त में दुआ का अहतमाम करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तमाम अवकात से ज़्यादा बंदा पिछली रात में अपने रब के करीब होता है बस अगर तुम से हो सके तो तुम इस घड़ी में अल्लाह को याद करने वालों में से बन जाओ तो ज़रूर बन जाओ फिर इसी तरह आज़ान के बाद और एकामत से पहले दुआ कबूल होती है यानी मौज़िन जब आज़ान दे रहा हो तो जो अल्फ़ाज वो दोहरा रहा हो उनको दोहराते जाना चाहिए सिवाय हैया और हैयाफला के कि उसके जवाब में लाहवत बिल्ला पढ़ना चाहिए और जब मौज्न आज़ान कह चुके तो आज़ान के बाद की दुआ पढ़ के दुरुष पढ़ कर, जो भी इंसान के दिल में हाजत हो वह अपने रब के सामने रखे तो वो दुआ के कबूलियत का वक्त होता है उस वक्त आसमान के दरवाज़े खुलते हैं तो उस वक्त इंसान को ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें भी अपने रब से मांगते चले जाना चाहिए ताकि इंसान किसी इंसान का मोहताज ना हो फिर इसी तरह में इंसान अपने रब के बहुत करीब होता है उस वक्त दुआएं ख़ूब सुनी जाती हैं तो खूब खूब इंसान को पुकारना चाहिए फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है तो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना और दुआ मांगना इंसान के फ़ायदे में है बजाय इसके कि इंसान फौरन मसल्ले से उठ जाए या इधर उधर की बातें शुरू कर दे फिर इसी तरह जुमे के दिन एक ख़ास घड़ी होती है जिसमें इंसान की दुआ कबूल होती है और उसके बारे में एक रिवायत में आता है कि वो जुमे के दिन की आखिरी घड़ी होती है तो बहरहाल जुमे के दिन खसूस तौर पर दुआओं के मांगने का अहमाम करना चाहिए फिर इसी तरह माह रमज़ान में हर दिन और रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें दुआ कबूल होती है उस वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ मांगनी चाहिए अरफा के दिन अल्लाह सुबहान तब सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है तो उस दिन वहाँ के लोग जो हज पर गए हैं वो तो दुआएँ मांगते ही हैं और जो लोग नहीं भी जा सके वो भी उस दिन की बरक़त से फ़ायदा उठाते हुए खूब खूब दुआएं करें फिर इसी तरह बारिश होते वक्त भी दुआ कबूल होती है फिर जमज़म पीते वक्त दुआएं कबूल होती हैं क़ुरान मजीद की तिलावत के बाद दुआ कबूल होती है तो इंसान को इन मौाक़े से ख़ूब खूब फ़ायदा उठाना चाहिए फिर इसी तरह मरीज़ और मैत के पास जो दुआएँ की जाती हैं वो भी कबूल होती हैं और आखिर में ये कि रसूल अल्लाह वसलम ने بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ ہیں اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد एल्ला बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ ए अकेला है बे न्याज है ऐसी जात है जिसने किसी को जन्म नहीं दिया और ना ही वो जन्म दिया गया और ना ही उसका कोई हमसर है ये कि तू मेरे लिए मेरे गुनाहों को बख्श दे बेशक तू बहुत बख्शने वाला नहायत मेहरबान है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जो ये दुआ पढ़ रहा था आपने तीन बार फरमाया कि इसको बख्श दिया गया इसको बख्श दिया गया इसको बख्श दिया गया क्योंकि उसने अल्लाह सुबहान तफ़ात के साथ इन नामों के साथ अल्लाह तुआ की थी तो अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमारी दुआओं को भी सुन ले और हमें कबूलियत के औकात से भरपूर फ़ायदा उठाने की तोफ़ी दे और हमें दुआएँ मांगने के आदाब सिखा दे व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रब